ये है 70 दशक की सबसे मशहूर सुपरस्टार जीनत अमान जी का घर, जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं जीनत अमान जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 1970 और 1980 दशक की सबसे सुपर स्टार जीनत अमान रह चुकी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी में काम भी कर चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो या देवा आनंद साहब हो, वो सभी की फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अपने फिल्मों से बॉलीवुड में यानी हिंदी फिल्म उद्योग में लोहा भी जमा चुकी हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि जीनत अमान जी मुंबई में कहां पर रहती थीं और अभी उनके फैमिली में कौन कौन है, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक गाइज बने रहिएगा। मैं आपको उस घर को दिखाऊंगा जिसमें जीनत अमान जी रहती थीं और अभी उसमें उनकी फैमिली रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे पीछे 100 मीटर की दूरी पे जीनत अमान जी का वो घर है जहां पर वो रहती थी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं माउंट मैरी पुलिस चौकी के पास और ये जगह तो आपको अच्छे से याद होगा अगर आप लोग बांद्रा के साइड कभी भी आए होंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जहाँ पर पहले रहते थे दिशा पाटनी के साथ, उनकी वो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। वो सामने देखिए, मैं दिखा दूँ, वो वही बिल्डिंग है जिसमें टाइगर श्रॉफ पहले रहते थे किराए पर और दिशा पाटनी भी रहती थी। तो वहीं पर हम खड़े हैं और हमें इसी सीढ़ी के रास्ते से ऊपर चलना है और उसके 200 से 300 मीटर आगे पर जीनत अमान जी का घर है। तो देखिए, हम ऊपर आ चुके हैं और ये वो बिल्डिंग है और ये इसी रास्ते से हम आए हैं। आप लोग इस रास्ते से भी आ सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से सीधे चलना है और कुछ ही दूर पे आगे जीनत अमान जी का घर है। अभी हम आपको उनके बारे में सब कुछ बताएँगे भी और उनका घर भी दिखाएँगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम इनके घर के मेन गेट के पास आ चुके हैं। आप लोग सामने एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, उसी बिल्डिंग में जीनत अमान जी रहती थी। अभी इसमें कौन कौन रहता है हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग जो ये गेट देख रहे हैं ना, इसी गेट के रास्ते उनका आना जाना लगा रहता था और इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर जीनत अमान जी का खुद का अपना फ्लैट है जहाँ पर अभी भी उनके परिवार के कुछ लोग रहते हैं। यही तीसरे मंजिल वाला, उसी पे वो रहती थी। तो देखिए, ये बिल्डिंग जो है ना, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये मैरी माउंट रोड पर है। इसका नाम है नीलम अपार्टमेंट। जी, अगर आप लोग कभी भी आते हो तो जब सर्च करोगे नीलम अपार्टमेंट मैरी रोड, तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकोगे। तो गाइज, देख सकते हैं आप लोग, जो 70 दशक की सबसे मशहूर कलाकार थी, एक्ट्रेस थी, जिन्हें हम टीवी में देखते थे, वो किसी के साथ भी हो, देवानंद साहब या राजेश खन्ना या धर्मेंद्र जी या अमिताभ बच्चन जी, शशि कपूर जी, सभी के फिल्मों में हमें जीनत अमान जी ही नज़र आती थी। सबसे निचले मंजिल पे कुछ काम चल रहा है लेकिन यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर जीनत अमान जी रहती थी। जीनत अमान जी के दो बेटे हैं, वो भी यहीं पर रहते हैं। तो अभी हम आपको इनके थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में भी जानकारी देंगे। इन्होंने अपनी 2 शादी की थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उनके हस्बैंड का क्या नाम था, सब कुछ आपको हम बताएंगे गाइस। दोस्तों आपको बता दें, डॉन, हरे रामा हरे कृष्णा और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में बिंदास और बोल्ड किरदार निभाने वाली जीनत अमान यहीं पर रहती थी और उनकी फैमिली अब यहीं पर रहती है। जीनत अमान ने अपने ज़माने में हुस्न के जलवे बिखेर कर करोड़ों दिलों पर राज किया है। आज वह हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है और 70 दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से जीनत अमान एक रही हैं। जीनत सिनेमा जगत में पश्चिमी सभ्यता का अक्ष कहलाने के साथ सेक्स सिंबल की उपाधि भी पा चुकी हैं। जीनत अमान के साथ हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट,
डार्लिंग डार्लिंग और कालाबाज जैसी फिल्मों में काम कर चुके देव आनंद उन्हें बेहद पसंद करते थे। दोनों की जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय भी रही। बरसों बाद देव आनंद ने एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि वह जीनत अमान को पसंद करने लगे थे। मुंबई में 19 नवंबर सन 1951 को जन्मी जीनत अमान को बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है जिसने नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। उनके पिता अमानुल्लाह खान लेखक थे। जीनत जब 13 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां सीदा ने कुछ समय बाद जर्मनी निवासी हेंज से शादी कर ली और उसके बाद जीनत जर्मनी चली गई। वहां पर लॉस एंजलिस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई को जीनत अमान ने अधूरा छोड़ दिया और फिर वापस भारत लौट आई। अभिनेत्री ने जानी मानी अंग्रेजी पत्रिका फेमिना में एक पत्रकार के तौर पर काम शुरू किया और बाद में मॉडलिंग की ओर रुख किया और उन्होंने पत्रकारिता छोड़ ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। जीनत अमान ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकेंड रनर अप रहीं। वर्ष 1970 में वह मिस इंडिया एशिया पैसिफिक चुनी गई थी। जीनत अमान खान को लोग प्यार से बबुस्का और जेनी बेबी भी कहकर बुलाते थे। इनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था और सौतेले पिता का नाम हेंज था। इनकी माता का नाम स्किंडा हेंज उर्फ वर्धिनी था। आपको बता दें ये नीलम अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल पर रहती थी जहां पर इनकी फैमिली अभी भी रहती है। जीनत अमान की पहली शादी संजय खान के साथ हुई थी और सिर्फ एक ही साल बाद जीनत अमान और संजय खान में तलाक हो गया। संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। जीनत अमान की दूसरी शादी साल 1985 में अभिनेता मजहर खान से हुई थी और उनकी दूसरी शादी भी कुछ ठीक नहीं रही। वह फिर से निराश हो गई और 12 साल की लंबी परेशान शादी के बाद अपने पति को छोड़ दिया। जीनत के दूसरे पति की साल 1998 में मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले ही जीनत अमान ने अपने पति को छोड़ दिया था। जीनत के दूसरे पति मजहर खान से उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम जहान खान और अजान खान है। जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें उन्होंने साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया है। वह दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ प्रेम शास्त्र और इश्क 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 में दिखाई दी हैं। इसके अलावा उन्होंने साल 1976 में शशि कपूर के साथ फिल्म दीवानगी और राजेश खन्ना के साथ अजनबी और अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ धर्मवीर फिल्म में भी काम किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आप लोग घर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर जीनत अमान जी रहती थीं। दोस्तों आपको बता दें, जीनत अमान के बड़े बेटे जहान खान सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करते रहते हैं और इसी के साथ साथ जहान म्यूजिक कंपोजर भी हैं। आपको बता दें, आम जनता उनके बारे में नहीं जानती है। जीनत अमान के बड़े बेटे अजान खान की बात करें तो वो भी एक्टर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने बैंकस्टर दिल और गैंग जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उन्हें भी बॉलीवुड में पहचान नहीं मिल पाई है जो बाकी सेलेब्स के बच्चों को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जीनत अमान जी का घर दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहाँ पर रहा करती थी और वो उनका घर कैसा था। तो गाइज आपको बता दें कि जीनत अमान 70 दशक की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।